स्वामी अग्निवेश जी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने झारखंड के अंदर में बहुत बदतमीजी करी। मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं, वो वीडियो आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इनके साथ ये होटल से निकलकर बाहर आते हैं, जब ये काम करने जब ये प्रोग्राम करने जा रहे होते हैं, जब ये लोगों से मिलने जा रहे होते हैं, तो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा इनके ऊपर हथियारों के द्वारा आक्रमण किया जाता है, इनके ऊपर अटैक होता है। और सवाल सिर्फ ये था और मुद्दा सिर्फ ये था कि इन्होंने बीफ से रिलेटेड कुछ बातें कही थी, गरीबों के खाने पीने पे कुछ बातें कही थी, पिछड़े समाज के खाने पीने पर बातें करी थी, जिसके वजह से ये जो गुंडे हैं इनके ऊपर आक्रमण कर दिए। अब आप देखो कि क्या इस देश में एक स्वामी, एक बड़े ही अध्यात्म का जानकार, जो लोगों को रास्ता दिखाते हैं, जो समझाते हैं, जो बताते हैं, क्या उनके साथ ऐसे गुंडागर्दी होनी चाहिए? क्या ये जो काम कर रहे हैं ये जायज है, जो ये बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जो कर रहे हैं? ये देखिए किस प्रकार से इनके साथ असॉल्ट किया गया है, किस प्रकार से इनके मारा पीटा गया, पूरे बदन पे जख्म है। ये जो चीज है दोस्तों, दिखा रहा हूं जो मैं आपको, ये जो बड़ा ही शर्मनाक मामला है जो कि झारखंड में हुआ है, वहां पे बीजेपी की सरकार है। पहली घटना ये हो गई जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए था, और मुझे ये सवाल आप लोगों से करना है। और जानिए, बताइए, पूछिए खुद से और अपने नेताओं से, अपने उन लोगों से जो यहाँ पर हैं, कि क्या ये देश गुंडा राज से चलेगा? क्या यहाँ पर जंगल राज चल रहा है? क्या झारखंड में जो बीजेपी की सरकार है वो जंगल राज चला रही है, कि वहां पर खुद एक स्वामी जो पढ़े लिखे इंसान है, जो बड़े ही अच्छे तरीके से सबके हक की बात करते हैं, उनके ऊपर गुंडों का आक्रमण हो जाता है? दूसरी बात, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो ये है कहां की? पश्चिम बंगाल की मिदनापुर में। ये पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में है, जहां पर कल या परसों में मोदी जी का भाषण हुआ था, जहां पे मोदी जी जाकर भाषण देते हैं और वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते हैं, गुंडा राज की बातें करते हैं, सिंडिकेट की बातें करते हैं। और पता ये चलता है कि उनके ही कार्यकर्ता जो उस रैली में शामिल होने जा रहे थे, उन्होंने पुलिस के साथ इस तरह की बदतमीजी कर दी। ये है हाल वहां के, अपने मोदी जी के द्वारा जो प्रकार, जिस प्रकार से ये देखिए, ये वीडियो है कि किस प्रकार से पुलिस को वहां पे पीटा जा रहा है, किस प्रकार से पुलिस के ऊपर आक्रमण किया गया है। ये कितने शर्म की बात है कि जिस जगह पे प्रधानमंत्री खुद दौरा करने आ रहे हैं, वहां पर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को बनाने की कोशिश करती है और पुलिस वहां पर मौजूद रहती है ताकि ट्रैफिक को सही किया जा सके, लेकिन वहां पे इन गुंडों का ये आलम है, ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका ये आलम है कि ये वहां पर जाकर गुंडागर्दी करते हैं। तो ये दो जो खबरें हैं दोस्तों, जिस प्रकार से घटना सामने आई है देखने को, ये चीज बड़ा ही शर्मनाक है। एक स्वामी अग्निवेश जी के ऊपर जिस प्रकार से गुंडों का आक्रमण हुआ है, और एक ये आप देख लीजिए साथ में जो आपको वीडियो चल रहा है, ये किस प्रकार से गुंडों का एक मामला सामने देखने को आया है। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि क्या हमारे देश में गुंडा राज नहीं है? क्या हमारे देश में जंगल राज नहीं है? मुझे आज भी याद है बिहार में लोगों को कहा जाता था कि जंगल राज है, तो ये है वो है, सारी बातें होती थी और लोग एग्री भी करते थे, हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती थी, इस तरह सारी चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन अभी ये जो सामने देखने को मिल रहा है, जहां पे प्रधानमंत्री खुद दौरा करने आ रहे हैं, वहां पर इस तरह की घटनाएं घट रही है कि पुलिस के ऊपर ये देखिए लाठीचार्ज किस तरीके से मारा जा रहा है, किस प्रकार से उस पर आक्रमण किया जा रहा है, ये कितने शर्म की बात है, ये आप समझ भी नहीं सकते हैं। और दूसरे अग्निवेश जी के बारे में मैं बड़ा ही अफसोस की बात है कि ये वैसे स्वामी है जो सबके बारे में, भले के बारे में, समाज में शांति के बारे में बात करते हैं, सबके भलाई के बारे में बात करते हैं, इसके ऊपर कुछ गुंडों ने आक्रमण कर दिया इनके ऊपर झारखंड में आज के दिन। बहुत शर्मनाक मामला है दोस्तों, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए जो हमारे देश में हो रही है। ये देखिए अग्निवेश जी के वीडियो जिस पर गुंडों ने आक्रमण किया था। ओके, अर्शद भाई सलाम अलैकुम, नमस्कार आपको। प्रीति जी जुड़ी हैं, नौशाद कासमी भाई, ये मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ दिखाने का ये है वीडियो को, और बताने का है कि क्या हमारे देश में गुंडा राज चल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर
जब आप देखते हो कि किसी पढ़े लिखे मौलानाओं के ऊपर, पढ़े लिखे बाबाओं के ऊपर, या टीचर मौलाना और बाबाओं को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन स्वामी ये जो हैं ये तो हमेशा समाज में भलाई की बात करते हैं। शिक्षक जो समाज को एक एक रास्ता दिखाता है, आपको याद होगा कि बीच में गुजरात में क्या हुआ था, कुछ गुंडे छात्रों ने मिलकर एक शिक्षक के चेहरे पर कालिख पोत कर उनके सड़कों पर जुलूस निकाला था, जिसके ऊपर हम लोगों ने कई बार प्रोग्राम किया और बताए लोगों के कि ये वो संस्कृति की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां पर वैलेंटाइन डे के दिन अपनी संस्कृति जागती है और शिक्षा को देने वाले शिक्षक को हम लोग असॉल्ट करते हैं, मारते पीटते हैं। ये किस प्रकार के संस्कृति और ड्रामेबाजी की बात हो रही है। एक वो स्वामी जो समाज के अंदर में एक अच्छाई और भलाई की बात करते हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है झारखंड के अंदर में, जहां पे बीजेपी की सरकार है। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, ये जो है ये कलकत्ता का है मामला, जहां पर बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं भाषण देने के लिए और वहां पर ये पुलिसों के साथ इस तरह की कार्रवाई होती है उनके गुंडे के द्वारा। ये देखिए किस प्रकार से पुलिस को पकड़ के ये लोग ये कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों कि क्या हम लोग एक गुंडे राज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग एक ऐसे राज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर किसी भी समाज के किसी भी तबके के लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है। मैं आप लोगों कमेंट्स ले लेता हूं। कुछ अर्शद माओ भाई कहते हैं इन भेड़ियों को सरहद पे भेजने, अरे इनकी औकात भाईजान सरहद पे जीवी जाने की नहीं है। ये लोग वो हैं जो देश के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आग लगा सकते हैं, मुखबिरी का काम कर सकते हैं जो इनके दादा परदादाओं ने किया था, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये लोग। शहजादे सलमानी कहते हैं बीजेपी का यही इतिहास है। नौशाद कासमी कहते हैं पूरे देश की हालत खराब कर रखा है बीजेपी और मूर्ख लोगों ने। बिल्कुल, ये बड़ी ही शर्म की बात है। मैं जबकि इस तरह की बातें नहीं करता था मुझे, लेकिन ये कुछ घटनाएं सामने ऐसी आ रही हैं जिसको देख के बड़ा ही अफसोस और शर्म आ रही है कि किस प्रकार से कोई किसी के साथ, ये अग्निवेश जी हैं जिनके ऊपर गुंडों ने कुछ आक्रमण आज किया है झारखंड में, है ना। तो मैं चाहता हूं आप लोग ये सवाल करें, अपने लोगों को पूछने को कहिए, जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने इन लोगों को सत्ता दिया है, जिन लोगों ने जिस प्रकार से इन लोगों को चुनकर समाज में एक नेता के रूप में चुना है, ऐसे लोग अगर कुछ बदतमीजी करते हैं, देश को तोड़ते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को सवाल बनता है कि क्या इन लोगों को इसी दिन के लिए चुना गया था, क्या यही गुंडा राज लाने के लिए चुना गया था, क्या ये गुंडा राज हमारे देश में इसी तरह चलेगा।